आपका मुंह बांध बांध दे, अपना बांध पहले। ले चलें। नो ये चुन्नू आ गया चाय पीने स्वाति के साथ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? तो भाई हम भी बढ़िया है, आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है चीनू के लिए, वो तैयार होने लग रही है। उसको बोल देती हूँ कि खाना खा ले आके। बाय चीनू, मैं भी काम कर लूँ, ठीक है? बाय मम्मा, मेरा हैंकी दे दो प्लीज। कहाँ रखती है हैंकी? पता नहीं रखती कहाँ है। क्या आपका मुँह बांध बांध दे, अपना बांध पहले, बांध अपना। हाँ सही लग रहा है, मास्क ना हो तो यही बांध ले, है ना? बताऊँ कौन सा हाउस है मेरा? प्रेरणा हाउस। प्रेरणा हाउस। बाय, अब ट्यूशन की बदस्ती दी जाएगी, घर आएगी, ठीक है? बाय बाय। तो भाई वाकई बहुत ज़्यादा वजन है बैग में चीनू के, तो अब भाई क्या ही कर सकते हैं, करना तो है ही। सब डेली बोलते हैं कंधे दुख गए, ये हो गया वो हो गया, तो भाई मैं तो यही बोलती हूँ, देखो करना तो पड़ेगा, या भैया आधी बुक ले जाओ, और क्या ही कर सकते हैं अब भाई, वजन तो है ही, सब करना ही पड़ता है। ये स्वाति सोते हुए, इसको उठा दूँ, जल्दी सोई थी। स्वाति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी उठो, 7 बज गए, चीनू चली गई स्कूल में। उठो जल्दी, 7:30 उठा दे। अलार्म भर रखा है। तो भाई आज दूध नहीं था हमारे घर, तो मैंने दही वगैरह नहीं जमाई, तो स्वाति लेके आई है लस्सी दुकान से, वो खाली कर रही है, फिर खाएंगे खाना। तेरा मैंने बना दिया, मुझे क्या पता तू कॉलेज नहीं जाए। जाना तो था पर करनी पड़ी छुट्टी। ठीक है चल निकाल ले इसमें, फटाफट खाना खाओ। तो भाई आटा सुबह गूंदा था मम्मा ने, लेकिन वो कम रह गया, तो अभी मम्मा दोबारा गूंद रही है, और सब्जी भी कम रह गई। आज दोनों चीज़ कम रह गई, ये बची हुई है, तो यही सब्जी बची हुई है, इसमें मेरे को और मम्मा को खानी है। तो मम्मा बोल रही है कि छोले ले आ, फिर चीनू भी तो खाएगी आके, उसको तो वैसे भी भिंडी पसंद है, तो वही तो खा गई सारी, वो भी खा गई, और आज अच्छी इतनी बनी है, तो पापा भी टिफिन ऊपर तक भर के ले गए, बची ही नहीं। तो ऐसा ही होता है, सूखी सब्जी है वैसे भी, कोई नहीं छोले ले आ, वो भी अच्छे लगते हैं। आज तो भाई सारी चीजें मंगा मंगा के बाहर से ही खानी होगी, जैसे भी कल लाइट नहीं थी ना, तो दूध वगैरह खराब हो गया था, तो दही नहीं जमा पाई मैं, वैसे मैंने जमाई थी पर वो दूध फट गया। लस्सी भी लाई बाहर से, अब छोले भी लाऊंगी, आटा भी आप दोबारा गूंद रहे हो। होता है ऐसा कई बार। चलो मैं ला रही हूँ। तो भाई स्वाति छोले ले आई है, दिखा खोल के कैसे है, स्वाद है क्या है? वैसे तो सही लग रहे हैं। चलो ठीक है, खा लेते हैं भाई खाना गरम गरम, कई दिन हो गए गरम खाना ये खाए। ये भी कटवाई थी। हाँ साफ प्याज है। तो भाई चाय बना रही है स्वाति, कितना टाइम और लगेगा? बन गई बस, डाल दे अदरक ना, इतनी बड़ी अदरक में से सारे खराब हो उधर। हाँ बस ऐसे ही आ रही है अदरक अभी खराब, काफी दिनों की रखी है शायद इससे। नहीं उसी दिन तो लाए थे मैं, और तू काफी दिन हो गए। मैं कह रही थी एक बार मार्केट चलना है। नो प्लीज नो, ले चलें। नो ले चलें। नो क्यों भाई, काम है मुझे। कल छुट्टी मारी है फिर, टाटा बाय बाय। परसों चल रहे ना? परसों क्या है, संडे। तो गाइस काम जो चला हुआ था वो इतना हो गया, यहाँ तक टाइल बिछ गई हैं, अभी यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, और वो उधर गेट लग गया है। तो चीनू अभी आई है ट्यूशन से और आके खाना खा रही है, क्योंकि इसमें आके नहीं खाया था। जब तू आई मैं सो रही थी ना, मैं स्कूल से 2:45 आई, आते ही 3:50 पे जल्दी जल्दी 10 मिनट में कपड़े बदल के और बिना पानी पे भाग गई ट्यूशन पे। तो अभी चीनू खाना खा रही है, भिंडी की सब्जी इसी के नाम की बचा रखी थी, हमने तो छोले मंगवा लिए थे चीनू क्योंकि सब्जी कम थी। तो गैस बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं आज हम, बहुत गर्मी है पर गर्मी में चाय पी रहे हैं। बाहर भी बैठना चाहिए कभी कभी। कौन कह रहा है ये बात? स्वाति कभी जो बैठती नहीं, नहीं बैठती। नो बैठती हो? नो बैठती हो। तो चाय वैसे स्वाति ने अच्छी बना रखी है, स्वाद चाय है। तुलसी के पत्ते डाले थे, आ रहा है स्वाद।
ये चुन्नू आ गया चाय पीने स्वाति के साथ। इसके मैंने ना वो उतारे थे पिस्सू इसके कान पे। चुन्नू पैर देख इसके कितने गंदे हैं। लंबा मुंह निकाल रहा चोंच सी पतली की तरह ना। मन करता है इसको गले लगाने का लेकिन ये गंदा बहुत रहता है। चुन्नू को फेंक दो, चुन्नू को बच्चों का मुंह पकड़ के रखता है ना ऐसे ऐसे। ये मुंह खोलता है ना इसके चावल जैसे दांत है बिल्कुल पहने ऐसा लगता है मेरे को तो काट लेगा बॉर्डर लगता है मेरे को। काटेगा तो नहीं फिर भी कोई भरोसा नहीं है ना। इधर आओ जुला दो इसके हाथ पैर पकड़ के। ओए आटी काटी मत कर लिए क्या क्या कर रहे चुन्नू के साथ। मम्मा झुला रही है चुन्नू को। नहीं बस, मुझे जाने दो बस चल बैठ जा। अच्छा नहीं झुला रहे बस चुन्नू ठीक है ना नहीं झुला रहे इतना प्यारा बच्चा है ना नहीं झुला रहे। कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है मेरे हाथ में। हाँ खा ले कोई नहीं खा ले देखो कितना बड़ा मुंह खोल के मेरा घुटना खा रहा है। हाँ क्या चाहिए तुझे क्यों इतना चू चू कर रहा है तू। चुन्नू है इसीलिए चू चू कर रहा है। ए ओए हीरो नहीं सो जा राम चल। और जो है स्वाति धोरी अपनी गाड़ी को कई सालों में पहली बार धोरी है। पहली बार और कई इतने सालों में पहली बार धोई है। बहुत बार धो चुकी। ऐसे साफ रखा अगर इसको जैसे तेरा फेस चमकता है ना ऐसे रखा कर इसको ऐसे ही चमकती है। कहीं नहीं चमकती दिखाऊं पीछे से हालत इसकी टायरों के वहां से तो टायरों में धूल में चलेगी तो होएगी। मतलब साफ रखो ना उसे। मैं ये नहीं कह रही कि गंदे क्यों हुई मैं ये कह रही हूँ साफ भी होनी चाहिए। आपको हालत पता है यहाँ की सड़कों की पता तो है ही खैर पर मैं याद दिला देती हूँ एक बार। हाँ ठीक है कोई नहीं हो जाएंगे सब सही टाइम लगता है अच्छे कामों में समझ रही हूँ। पूरी तो टंकी खाली कर देगी तू अब ऐसे स्वाति। ये पानी वहाँ कैसे जमा हो गया उधर भाग गया फिर वो या नहा लिया ढंग से पकड़ के और फिर भाग गया। सोचते तो मेरे को डेली नहला देंगे अब तो। ये जो नई है हमारी जुपिटर ये खड़ी है ये बिल्कुल साफ है अभी। ये इस पे अभी इतना रेत नहीं चढ़ा है क्योंकि ज्यादा चलती नहीं है ना टायर नहीं वो साइड वाले जो पार्ट होते हैं टायर तो मैं गलत बोल रही हूँ टायर नहीं कह रही मैं मतलब ये इधर से ये सब साफ है। बहुत धूल है इससे वो ग्रे है तो दिख नहीं रही बस। नहीं नहीं वो ग्रे मतलब वो तो मैं समझ गई हाँ धूल तो है पर वैसे कह रही हूँ जो अंदर यहाँ पे क्या बोलते तुम तो इसको ये इधर वाला एरिया ये टायर हो गए इधर जो जहाँ चिपक जाती है धूल वो तो कीचड़ होती है। एरिया पूछ रही हूँ ये किस क्या बोलते तुम इन चीजों को। कुछ भी नहीं बस स्कूटी गंदी हो रही है ऐसे ही वही मैं बोल रही हूँ। वही आज जो है सब्जी कम रह गई थी तो मैंने आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाई है क्योंकि सुबह जो भिंडी बनाई थी वो खत्म हो गई है। तो सब्जी में घर पे कुछ भी नहीं था तो आलू और सोयाबीन रखे हुए थे तो मैंने सोचा वही बना लेती हूँ तो मैंने फटाफट कर दी है सब्जी तैयार। तो देखते हैं खा के कैसे लगेगी। वैसे मेरे को बहुत कम पसंद है सोयाबीन पर वैसे रखी थी तो मैंने बना ली। चीनू और स्वाति को पसंद है तो अपना खा लेंगे मजे से और मेरे को अगर पसंद नहीं आई तो मैं अपनी चटनी बनाऊंगी फिर पीस के। तो मैंने ना सब्जी मंगवा ली है सुबह के लिए तो मैंने मंगवाया है पनीर। ये पनीर बनाऊंगी मैं सुबह और सलाद में है खीरा और ये मूली है और टमाटर। तो भाई मम्मी का स्किन केयर रूटीन चलता हुआ क्या है इसमें। ये बना रखा है पेस्ट घर पे ही है क्या ही है। ये इसमें है चीनी ग्लिसरीन थोड़ा सा नमक और जेल।
एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने ही तो बनाया था, मुझे क्या बता रहे हो। तो पूछ रही है तो मैंने बता दिया, मैं देख रही हूँ लगा के इससे पड़ता है फर्क पड़ता है तेरे में मेरे में फर्क भाई। चलो लगा लो फिर दिखाना आफ्टर ग्लो। तो भाई हम सब ने खाना खा लिया है, अब चुन्नू मुन्नू पुन्नू के लिए खाना बाहर डाल के आ रही हूँ। गाइस चुन्नू मुन्नू पुन्नू के लिए ये खाना उनका मैं बाहर डाल के आ रही हूँ। अभी 10 बज चुके हैं रात के। चुन्नू मुन्नू पुन्नू खाओ भाई, जल्दी आओ, खाना आ गया। तो भाई खाना तो मैंने डाल दिया है उनका, पता नहीं कहाँ है वो, दिख ही नहीं रहे कहीं। तो भाई काफ़ी अच्छी हवा चली हुई है, पर गर्म हवा चली हुई है, ठंडी हवा नहीं है। हो सकता है बारिश आए, पक्का नहीं पता, पर हवा चली हुई है मस्त वाली। तो भाई काफ़ी लेट हो चुके हैं, चलो सो जाते हैं गाइस। और स्वाति जो है अपना काम कर रही है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और कल लेके आऊँगी नया व्लॉग। गुड नाइट गाइस।